भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। क्या इन स्कीम से 5000 रुपए देकर के आप नौजवान का भविष्य बनाना चाहते हैं? मिसलीडिंग कैंपेन विच बीइंग इन द ऑपोजिशन हलवा फट रहा है सर, और इसमें 73% का खैनी। वो झूठ बोल रहा था, बड़े सलीके से मैं एतवार न करता तो और क्या करता। ये तो केवल मिलिट्री स्कूल के हैं, मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 ग्रेजुएट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवा दे रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओमकर्षप। एक बहस आज संसद में हुई जिसका पारा सातवें आसमान पर था, बजट पर बहस। और इस बहस के दौरान आज संसद में आर पार के हालात बने। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर जाति जनगणना को लेकर भिड़ गए। दोनों के बीच जबरदस्त बहस हुई। इस बीच अखिलेश यादव की एंट्री हुई। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का समर्थन किया, सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक समय वो भी आया जब अखिलेश यादव अनुराग ठाकुर बताने को मजबूर हो गए कि आखिर किसने कहां से पढ़ाई की है, कौन कहां पर नौकरी कर रहा है। लेकिन इस झोंक-झोंक के बीच किसी ने इमोशनल कार्ड खेला, किसी ने राजनीतिक बिसात बिछाई। आखिर क्या है इसके मायने, बजट पर बहस से क्या निकला? कुछ ही देर पहले निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री, ने तमाम सांसदों के उठाए हुए प्रश्नों का जवाब दिया है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आमने सामने मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे गौरव भाटिया, स्टूडियो में अभय दुबे जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पहुंच गए हैं, आज अच्छे खासे रंगीन कपड़े आपने पहने हुए एकदम। हमारे साथ आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं। मलुक नागर साहब जुड़ गए हमारे साथ, जो कि आरएलडी का पक्ष रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि बहस की शुरुआत हो, ये रिपोर्ट देखिए। हमने लगातार बजट पर आर पार वाली लड़ाई आज भी जारी रही। विपक्ष ने सरकार को फिर नौकरियों पर घेरा, घमासान जोरदार छिड़ा, आक्रामक अंदाज दोनों तरफ से दिखा। जब सरकार का बजट मैं पढ़ता हूं तो जो स्कीम्स लाई जा रही हैं उसमें, क्या ये स्कीम नौजवान को पक्की नौकरी दिलाएगी? क्या इन स्कीम से 5000 रुपए देकर के आप नौजवान का भविष्य बनाना चाहते हैं? जो वर्क फोर्स आप बना रहे हैं ट्रेनिंग देकर के सरकार के पैसे से, अंतोगत्वा इनको भी एक्सप्लॉइट वही लोग करेंगे, उद्योगपति। आई एम श्योर ऑल द मेंबर्स नो, and therefore that was a misleading campaign which being in the opposition unfortunately a lot of members did speak about. अपने भारत को विकसित बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीआईआई में उद्योग जगत के लोगों को संबोधित कर रहे थे। भारत की अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने अपने आप को अन्य नेताओं से अलग, वादा निभाने वाला प्रधानमंत्री बताया। हमारे युवाओं की स्किल बढ़े, उनका एक्सपोजर बढ़े, उन्हें आसानी से रोजगार मिले, इसके लिए हम इंटर्नशिप स्कीम लेकर आए हैं। आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर बन जाएगा। मैं जिस बिरादरी से आता हूं, उस बिरादरी की एक पहचान बन गई है कि चुनाव के पहले जो बातें करते हैं, चुनाव के बाद भुला देते हैं। लेकिन मैं उस बिरादरी में अपवाद हूं, और इसलिए मैं आपको याद कराता हूं कि मैंने कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगा। 2004 जब अटल जी की सरकार गई, 2004 में यूपीए सरकार की शुरुआत हुई, और यूपीए सरकार के पहले बजट में
कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब 90,000 करोड़ रुपये था, 90,000 करोड़ रुपीज, और आज कैपेक्स 11,00,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। आज विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम पर शक का घेरा लगा दिया। अग्निवीर से लेकर पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम तक पर अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर के बीच में ठन गई। मैं जब सुनता हूँ सत्तापक्ष के लोगों को तो मुझे वो लाइनें याद आ जाती कि वो झूठ बोल रहा था, बड़े सलीके से मैं एतवार न करता तो और क्या करता। इधर राहुल गांधी ने बजट पर बीते दिन अडानी अंबानी से एवा नेटू के चक्रव्यूह वाला वार सरकार पर कर दिया था। हलवा को हथियार बनाया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की फोटो दिखाई थी, वित्त मंत्री ने दोनों हाथों से माथा पकड़ लिया था। आज मौका जवाब देने का। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। एक बवाल संसद में जाति जनगणना पर भी हुआ, किरदार तीन थे, अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। तभी कथित रूप से किसी ने राहुल गांधी से कहा कि फिर जाति जनगणना में आपको भी अपनी जाति बतानी पड़ेगी। अखिलेश यादव उठ खड़े हुए, कहा जात कैसे पूछ रहे हो हमारी? जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए? बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप कौन सी अधिकार जाति को? फिर अनुराग ठाकुर ने आक्रामक अंदाज में दोनों नेताओं पर हमला कर दिया। सर उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो फिर पर्ची आती फिर बोलते हो। कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, मैंने नाम किसी का नहीं लिया था। 4 जून के लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद से चल रही सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नए नए ठिकानों पर जारी है। कभी यूपी के नतीजों वाली पिच पर, कभी नौकरियों और जाति वाले बिसात पर। आज तक क्यों? तो संसद का पारा हाई है, लेकिन क्या इससे आपके लिए निकला है बजट पर ये बहस से, इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि विपक्ष चाहता था, सत्ता पक्ष भी कह रही थी कि हाँ बहस चाहते हैं। अब देखिए गौरव भाटिया जी, बहुत सारे प्रश्न है जो विपक्ष उठा रहा है। जाति जनगणना पर राहुल गांधी बोल रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम से लेकर तमाम मुद्दों पर विपक्ष बहुत आक्रामक अंदाज में आपकी सरकार को घेर रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि वो एक चक्रव्यूह आपके लिए रचने में कामयाब हो रहे हैं? गौरव जी, अंजना जी, मैं आऊंगा चक्रव्यूह पे और आपको बताऊंगा कि दुर्योधन कौन है आधुनिक राजनीति का, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, एक बात साबित हो गई कि मीडिया गोदी नहीं है। राहुल गांधी तो मीडिया को गोदी बुलाते हैं। और अंजना जी, आपको खासकर मैं कहना चाहूंगा, क्या आप पिंजरे में बंद हैं? मैंने तो देखा है अंजना ओम कश्यप और आज तक दहाड़ता है, चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन राहुल गांधी के अनुसार आज तक और अंजना ओम कश्यप पिंजरे में बंद हैं और बहुत बिचारे हैं आप। तो जब राहुल गांधी की 46 मिनट की स्पीच लाइव सारे चैनल्स ने काटी, तो ये उदाहरण था किस तरह से भारत का लोकतंत्र तो मजबूत है लेकिन एलओपी बहुत हल्का और कमजोर है। दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री जी बोले थे संसद के पटल पर, आपने देखा था विपक्ष की हालत क्या हो गई थी,
तभी हम कहते एक अकेला सब पर भारी, लगातार नारे लगाते रहे, अवरोध पैदा करते रहे। और जब राहुल गांधी बोले, आप देखिए किस तरह से सुना गया, यह कहना गलत नहीं होगा कि झूठ का प्रचार हुआ। और अभी आपके चैनल पे बताऊंगा कैसे झूठ बोला, मिथ्या फैलाई, गैर जिम्मेदाराना बयान दिए, लेकिन सत्ता पक्ष ने लोकतंत्र का सम्मान करके उनका पूरा भाषण सुना। यह होता है लोकतंत्र, यह होती है जिम्मेदारी। अब आप मुझे बताइए, जो चक्रव्यूह की रचना करने की बात कर रहे हैं, कौन है ये कौरव? ये कौरव तो गांधी परिवार है। किसने चक्रव्यूह रचा? चक्रव्यूह रचा है तो गांधी परिवार ने रचा है। और जनता अभिमन्यु नहीं है, जनता अर्जुन है। लेकिन जो छह लोग हैं जिन्होंने प्रयास किया चक्रव्यूह रच के अभिमन्यु बनाने का जनता को, वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी। और इसमें कौन शकुनी है? शकुनी वो व्यक्ति है जो ये भी नहीं जानता है कि अध्यक्ष स्पीकर महोदय से बात कैसे करते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। मैं चुनौती देके आपको बताता हूं जो बातें राहुल गांधी ने कही हैं, एक एक करके तीन भाग मिलेंगे, कोशिश करूंगा उत्तर दूं और प्रश्न भी पूछूं। जब ये बात करते हैं पिछड़े समाज की, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये सत्य नहीं है कि 2011 में कास्ट सेंसस हुआ, उसके जो आंकड़े थे वो आपने नहीं जग जाहिर किए, उनको सार्वजनिक नहीं किया? क्यों? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पी चिदम्बरम जो मंत्री थे वरिष्ठ, उन्होंने कहा ये देश के सौहार्द के लिए अच्छा नहीं है। राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का विरोध किया, और जिस सरकार को समर्थन दिया था भाजपा ने, उसी सरकार ने लागू किया मंडल कमीशन। और यह भी सत्य है, जान लीजिए कि आप इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के वक्तव्य उठा लीजिए, उन्होंने कहा कि जात में देश को ना बांटो और विरोध किया जो कास्ट सेंसस की ये बात करते हो। और अंत करूंगा एक बात कह के कास्ट पे, कर्नाटका में तो इनकी सरकार है, पिछली बार जब इनकी सरकार थी आज से 6 साल पहले, तब एक कास्ट सर्वे हुआ था, सिद्धरमैया जी और डीके शिव कुमार जी आपस में लड़ रहे हैं कि उसको हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। क्या राहुल गांधी को नहीं चाहिए पहले इस पे उत्तर दे? दूसरी बड़ी बात मैं बताता हूं, अग्निवीर आर्मी की बात कर लेते हैं। अंजना जी, आर्मी की बात करेंगे तो वन रैंक वन पेंशन, आपको मालूम है सपना देखा मुंगेरी लाल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। और मैं जो प्रमाण लेके आया हूं, ये पूछा गया कांग्रेस की सरकार से 24 नवंबर 2010 कि आप वन रैंक वन पेंशन क्यों नहीं लागू करते। तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी का जवाब पढ़ देता हूं, उन्होंने कहा हम वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। और लागू किसने करी? ठीक है, अब दूसरे राउंड के लिए 500 करोड़ का केवल बजट छोड़ के गए, 2014 की बात है, ठीक है। और लागू करी नरेंद्र मोदी जी ने। तो मैंने दो सवाल उठाए, इधर उधर ना भागे और केवल इन दो सवालों का उत्तर दे दे जो देश की जनता पूछ रही है कि नेता प्रतिपक्ष को इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि जो तथ्य है उनको सामने रखे। धन्यवाद। दो तथ्यों पर वो सीधा प्रश्न कर रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अब याद भी है क्या सर कि आप लोग एक वक्त पर कहते थे ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, ये आप ही लोग का नारा था ना? अब तो आपके नेता मतलब जात पे ही शुरू होते हैं, जात पे ही खत्म होते हैं, क्यों ऐसा हो गया? वो छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक अभियान था जो हमने 50 के दशक से प्रारंभ किया था, उस बात की अनुगूंज आपको देश में सुनाई दी थी। आज अगर बजट को दो शब्दों में इनकी व्याख्या करना हो तो आज क्या बदला सर, उस पर थोड़ा सा और बोल दीजिए। जी जी, आप कह रहे हैं कि 50 के दशक में, अब देखिए अंजना जी, अंजना जी आज क्यों? इतिहास साक्षी है, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी, लोकसभा में जवाब दिया मोदी सरकार ने, 12 दिसंबर 2014 को जवाब दिया कि वो जो जातिगत जनगणना कराई गई थी वो 30 राज्यों की 491 जिलों की जातिगत जनगणना का ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया है, और 10 राज्यों के 91 जिलों का फाइनल ड्राफ्ट का पब्लिकेशन हो गया है, अगले 3 महीने में जनगणना पूरी हो जाएगी। वो जातिगत जनगणना देश के लोगों पूरी हुई, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अरविंद पनागरिया जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में हम एक समिति गठित करते हैं।
पांच साल तक उसका एक सदस्य नहीं बनाया, पांच साल तक उसकी एक मीटिंग नहीं की और वो रिपोर्ट को इन लोगों ने डंप कर दिया। 31 जानकारियां, अभी जब सेंसेस का नोटिफिकेशन जारी किया 31 जानकारियां चाही गई है, लेकिन सिर्फ ओबीसी समाज की जानकारी नहीं। बिहार प्रांत जब ओबीसी की जनगणना कराना चाहता था, जातिगत जनगणना कराना चाहता था, तो एफिडेविट फाइल किया मोदी सरकार ने, उन्होंने कहा आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 एंट्री 69 ये केंद्र का अधिकार है, राज्य जातिगत जनगणना नहीं करा सकते। महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे दिया कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जा सकती, ये महाराष्ट्र के प्रकरण में कहा। क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराना चाहते? नारा बदल गया, जात पर ही पात पर ही मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिनके सत्ता बीच में नहीं, जिनके सत्ता पर ताज है, भीतर से काले के काले, शर्माते नहीं ये गांधी की जात पूछने वाले। अरे राहुल गांधी जी को अपमानित करने के माध्यम से ही चलिए जातिगत जनगणना करा लीजिए अनुराग ठाकुर, ताकि पता लग जाएगा कि उस गांधी की जात क्या है जो समाज के अंतिम पंक्ति के उत्थान की लड़ाई लड़ रहा है। अनुराग ठाकुर जी, शर्म नहीं आई आपको ये बात करते हुए? भारतीय जनता पार्टी नहीं शर्माई? क्या चाहते हैं राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी चाहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक रख दीजिए। कब तक विरोध करेंगे प्रधानमंत्री जी आप? आपने सेना का प्रश्न खड़ा किया, अरे वो आरोपी तो हमने, हमारे बजट में जब हम सत्ता छोड़कर गए थे तब जो मॉडेलिटीज तय की थी, आज भी वो पूर्व सैनिक धरने पर है, वो कहते हैं कि वो मॉडेलिटीज तय कीजिए जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने निर्धारित की थी। आपने तो छद्म वेश धारण कर रखा है। एक शब्दों में इनके बजट को हम व्याख्या कर सकते हैं, लाडू हलवा लापसी, पूजा चढ़े अपार, पूजी पुजारी ले गया मूर्ति के मुंह छाल, अर्थात कि जो छद्म वेश धारण करके आए थे पुजारी का, और सबसे भोग चढ़ा लिया, सारा भोग लेकर भाग गए, और जो मूर्ति, जो भगवान है इस देश के किसान अन्नदाता, उनके समर्थन मूल्य का कानून नहीं बनाया। अग्निवीर का कानून जो राहुल गांधी कहते थे इस योजना को खत्म कर दीजिए, वो आपने खत्म नहीं किया। अनइनकॉर्पोरेटेड जो रिपोर्ट आई है नॉन एग्रीकल्चर एस्टैब्लिशमेंट की, ये खुलासा हुआ कि 11,40,000 करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी का नुकसान हुआ, 1,60,00,000 रोजगार एमएसएमई के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके तबाह कर दिए प्रधानमंत्री जी। अब ये स्वांग रचना आप इनसे क्या जवाब लीजिएगा गौरव जी? जवाब तो आपको देना है, आप सरकार हैं साहब। अग्निवीर पर, एमएसपी गारंटी कानून पर, ये दो मुद्दों पर, युवाओं और किसान के मुद्दे पर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उस पर आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं लौट रही हूं आपके पास। आशुतोष जी आपके पास इसके बाद आऊंगे। अंजना जी, मैं समझता हूं जिस तरह से निर्मला सीतारमन जी संसद के पटल पर उत्तर दे रही है ना, राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है वहां खड़े हो जाए। मैंने पहले भाग में क्या बड़ी बातें उठाई, मैं दोहरा रहा हूं, क्योंकि चर्चा का निष्कर्ष तभी निकल सकता है जब कांग्रेस के प्रवक्ता इधर उधर भागे नहीं, जो सवाल पूछे जाए उनका उत्तर दे। मैंने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी। पहली बात, क्या अंजना ओम कश्यप और आज तक पिंजरे में है जो राहुल गांधी संसद के पटल पर कहते हैं? दूसरी बात, मैंने पूछा पी चिदम्बरम ने विरोध क्यों किया? जो कास्ट सेंसस आपने कराया 2011 से 14 तक भी 3 साल थे, आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? आपने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने कर्नाटका का उदाहरण दिया, वहां पे कास्ट सर्वे हुआ, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया लड़ रहे हैं आपस में, आपने उत्तर नहीं दिया। मैंने एक बात उठाई, वन रैंक वन पेंशन पे कहा वी रिजेक्ट वन रैंक वन पेंशन। ठीक है एक मिनट, मैं उत्तर पहले पूरा कर लूं अपना, मैंने इंतजार किया अंजना जी। जी करिए धन्यवाद। मैंने वन रैंक वन पेंशन में आपको तारीख बता के बताया, 24 नवंबर 2010 एके एंटनी कहते हैं कि ये फीजिबल नहीं है, वन रैंक वन पेंशन को हम लागू नहीं करेंगे। 2014 में जो इंटरिम बजट आ रहा था, केवल 500 करोड़ कि जो है रकम छोड़ी, लागू किया नरेंद्र मोदी जी ने, 30 लाख जो वेटरन्स हैं वो लाभार्थी हैं उनको लाभ मिला, और उसके साथ हजारों करोड़ रुपया हमने खर्च किया, ये तथ्य है। अब मैं एक बात और उठाता हूं किसानों पे। राहुल गांधी संसद में किसानों से मिले, 1200 किसानों ने आत्महत्या करी कर्नाटका में, राहुल गांधी का एक वक्तव्य आया 15 महीने की सरकार, 1200 किसानों ने आत्महत्या करी, 10 साल की यूपीए की सरकार में 1,80,000 किसानों ने आत्महत्या करी,
एमएसपी लागू किया हमने, एमएस स्वामीनाथन जी ने स्वयं एक लेख लिखकर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी, इन्होंने उस रिपोर्ट को 8 साल तक ठंडे बस्ते में डाला था, क्या ये व्यापक सवाल नहीं है? ठीक है, एक का उत्तर भी अगर दे दे, चुनौती देता हूं, तो मैं सलाम करूंगा इनके जज्बे को, इधर उधर ना भागे, जो तथ्य दिए हैं उस पर उत्तर दे दे। ठीक है आशुतोष जी, आप देख ही रहे, थोड़ा तेवर मलुक साहब अभी ऐसा है कि आपको थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। नहीं नहीं, आप प्रश्न सुनिए पहले। प्रश्न ये है कि कोई भी संस्था इस देश की आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से या तो पिंजरे के अंदर दिखाई देती है या पंखों के साथ उड़ती हुई आसमान छूती हुई दिखाई देती है। तो ये जो आप लोगों की मेहरबानी और भ्रिकुटियां तनती है ना संस्थाओं पर, इससे बचिए, अपनी रक्षा, अपनी पार्टी की रक्षा करिए, अपनी पार्टी को ऊपर ले जाइए, संस्थानों से बोलने में बचना चाहिए। दूसरा प्रश्न, आपको तो जनता ने मौका दिया है ना सर, कौन कौन से राज्यों में, तेलंगाना में, कर्नाटक में आपको मौका दिया है, आपको हिमाचल में मौका दिया है, वहां पर एक्सरे क्यों नहीं करा लेते राहुल गांधी जी? अरे सवाल अभी पूरा नहीं हुआ, एक्सरे क्यों नहीं करा लेते? रिजल्ट आउट कीजिए ना, अच्छा है ना, सबको पता चलेगा, आप एक मिसाल बनाएंगे देश में। सामाजिक न्याय की आप बात कर रहे हैं ना कि अब वो 50 का नारा था। तीसरा प्रश्न जो इसी में जुड़ता है, जो जेपी नड्डा पूछ रहे हैं, वो चूंकि कल राहुल जी ने फोटो दिखाई थी ना कि इस हलवा खाने वाली फोटो में कितने दलित हैं, तो आप वो पूछ रहे हैं कि कितने दलित ऐसे हैं राजीव गांधी फाउंडेशन में, वो पूछ रहे हैं कितने दलित हैं नेशनल एडवाइजरी कम्युनिटी में जो यूपीए की थी, उसमें कितने आपने एससी एसटी ओबीसी को शामिल किया था? 3 प्रश्न है सर, इसी का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, एक तो प्रश्न आपने किया कि आपकी जहां राज्य सरकारें हैं वहां पर आप क्यों नहीं कास्ट सेंसस करा लेते हैं। देश के लोगों बहुत गंभीरता और गौर से सुनिए, वो कास्ट सेंसस नहीं है, वो कास्ट का सर्वे है। राहुल गांधी जी क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी जी चाहते हैं कि जो सर्वोच्च अदालत ने एक रेखा खींच दी है कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, उसका बुनियाद जब बनेगी जब हम जातिगत जनगणना कराएंगे, तो सर्वोच्च अदालत के पटल पर हम रखेंगे कि देखिए ये जितनी आबादी उतना हक आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी का काउंट हमारे पास नहीं थे, और वो रिपोर्ट जो मोदी सरकार ने छुपा दी वो पटल पर रखना चाहिए। कहां तक ले जाने की स्ट्रेटजी है राहुल जी की? देखिए जितनी आबादी उतना हक, आप जो कह रही थी ना, राज्य आबादी तो रफली पता ही है ना, तो क्या मतलब देखिए ये सवाल 1951 में भी उठा था अंजना जी, मैं पूछ रही हूँ। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, ये चंपक दुरई राजन का मुकदमा हुआ जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पंडित नेहरू ने तय किया कि संविधान में आर्टिकल 46 में डीए राज्य ये तय करे कि उनके साथ आर्थिक और शैक्षणिक सामाजिक न्याय हो, तब लोग कोर्ट में गए कि आर्टिकल 15 जो ये कहता है कि आप जाति के आधार पर लिंग के आधार पर भेद नहीं कर सकते, अदालत ने रोक दिया। पंडित नेहरू ने पहला संविधान संशोधन किया आर्टिकल 15(4) और उन्होंने कहा कि ये बुनियादी सिद्धांतों में होने के बावजूद भी आरक्षण दिया जाएगा, तो ये आरोप हम पर लगाना झूठी बात है। राहुल नहीं कर रही हूँ सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ, इसका जवाब मिलकर आगे बढ़ेंगे। जाति जनगणना पर चूंकि इतनी फोकस्ड है आपकी पार्टी, आप रिजर्वेशन कहां तक ले जाएंगे, कितने तक, मतलब अभी रफ है, ठीक है छोड़ दीजिए, हम मानते हैं कि 17-20% मुस्लिम समुदाय है, उसके बाद से जो अपर कास्ट है वो 10-12% 15% के आसपास, तो 75 तक आप ले जाने की सोच धर्म के आधार पर, पहली बात तो आरक्षण की अनुमति नहीं है, वही तो मैं कह रही हूं ना, सुनिए ना अब मेरी बात सुनिए, जो मुस्लिम का संदर्भ आपने कहा इसलिए कह रहा हूं मैं, वो तो मैं हटाने के लिए, हमने आदिवासी का एससी का एसटी का रिजर्वेशन किस आधार पर तय होता है, उनकी आबादी के आधार पर तय होता है, तो फिर ओबीसी का आरक्षण उसकी आबादी के आधार पर तय क्यों नहीं हो? राहुल गांधी जी ये चाहते हैं, पिछड़ों को आगे लाकर देखिए देश तरक्की करेगा। अंजना जी अब संक्षिप्त में मैं वो जवाब भी देना चाहता हूं जो इन्होंने खड़े किए, 1,00,000 करोड़ रुपए आपने पिछले 4 साल में किसानों का सरेंडर कर दिया, उन पर खर्च नहीं किया, और मैं नहीं कह रहा हूं आपका लागत और मूल्य आयोग मोदी जी का क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री जी गौर से पढ़िए इस रिपोर्ट को, और ये खरीफ की रिपोर्ट है 2024 की, वो प्रांत दर प्रांत बताते हैं कि धान पर, ज्वार पर, बाजरा पर, रागी पर, तुअर पर, मूंग पर, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, केरला में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, केरला तो चूंकि वहां उनका मंडी का सिस्टम नहीं है, लेकिन इन पर समर्थन मूल्य से नीचे फसलें बिक रही है प्रधानमंत्री जी।
0.6% तक भी आप सिर्फ फसलें खरीदते हैं, समर्थन मूल्य मिलता नहीं। आपने कहा कि पांचवी विश्व की अर्थव्यवस्था, जब भी आप पांचवी अर्थव्यवस्था कहते हैं तो मुझे विरल आचार्य जो डिप्टी गवर्नर थे उनका कथन याद आता है कि देश की पांच बड़ी कंपनियां अर्थात पांच धन्ना सेठों ने भारत की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर रखा है। आपने 1% लोगों ने 40% देश के संसाधन कमा लिए प्रधानमंत्री जी, 54,00,000 करोड़ रुपया 100 लोगों के हिंदुस्तान के पास। भी नहीं दिया सर कि जो नीतीश बाबू ने सर्वे करके एक्सरे दिखाया, वो सर्वे वाला एक्सरे आपके सीएम्स क्यों नहीं दिखाया? नहीं, हमारे प्रांतों में जातिगत जनगणना हम करा रहे हैं, लेकिन उसका आधार, फिर आप जनगणना कह रहे हैं, पहले मुझे कह रहे थे जनगणना नहीं सर्वे है। सुन लीजिए, सर्वे बताइए ना, प्लीज, सर्वे ही है। मैंने कहा आर्टिकल 246 में अधिकार नहीं है, मोदी सरकार ने साफ कर दिया, तो वो सेंसस नहीं है, वो सर्वे है, लेकिन हम उससे अपने उद्देश्यों तक नहीं पहुंच सकते। प्रधानमंत्री जी आपसे आग्रह है, प्रार्थना है, हम आपको माला पहनाने आएंगे, आप जातिगत जनगणना कराइए। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि इसी सदन से मैं समर्थन मूल्य का कानून भी बनवाऊंगा और जातिगत जनगणना भी करवाऊंगा। लोग ये मान रहे हैं कि अखिलेश यादव की एंट्री से बहुत सारे जो मुद्दे हैं उस पर सरकार घिर रही है, लेकिन प्रश्न वहीं पर जाकर टिकता है कि चाहे वो अग्निवीर स्कीम हो, उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, 240 सीट वाले रिजल्ट से बीजेपी भी इन दोनों ही स्कीम्स में, चाहे अग्निवीर हो जहां पर वो अलग अलग जगहों पर सीटें आरक्षित कर रहे हैं नौकरी देने के लिए, कांग्रेस का भी अप्रेंटिसशिप एक्ट यही है, पहली नौकरी पक्की वो एक ही साल के लिए है। आजीवन नौकरियां कितने करोड़ लोगों को देने का कोई तरीका और किसी के पास है भी नहीं। मैनिफेस्टो में इन्होंने भी एक साल की बात की थी, फिर कैसे होगा? और ये जो पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम है उस पर भी टेक समझना चाहेंगे। आशुतोष जी धन्यवाद। देखिए अंजना जी, जो अग्निवीर पे जो सवाल है उसकी जो बात है उसको समाजवादी पार्टी कतई नहीं एक्सेप्ट कर सकती है, और उसकी वजह है, और अग्निवीर के सवाल को और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मैं जोड़ते हुए इसको लेके आ रहा हूं। देखिए अंजना जी, एक समय हुआ था उत्तर प्रदेश या देश में कहीं भी जहां पे ग्रामीण अंचल होता था, वहां पर अगर कोई व्यक्ति, उनका बेटा, उनका पति अगर सेना में जाता था तो वस्तुतः ये देखा जाता था कि 4-5 साल की नौकरी के बाद में उस गांव में एक पक्का मकान बनता था, कुछ दिनों बाद एक मोटरसाइकिल आती थी और एक घर में शौचालय बनता था, एक तरीका बन जाता था और ये समझा जाता था कि ये गांव का सरसब्ज है। अगर आप देखिए गांव के गरीब जितने लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, कई लोग भारतीय सेना में रहे हैं, क्या भारत सरकार को इससे परेशानी हो रही थी? क्या उनको ये परेशानी हो रही थी ग्रामीण अंचल में जो गरीब पिछड़े लोग हैं, जो अपनी जीविका के माध्यम से, देश रक्षा तो है ही है, जीविका के लिए ज्यादा से ज्यादा लड़के हमारे देश की सेना में जा रहे थे, क्या वो उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि वो भी सरसब्ज होके गांव में एक अच्छा स्थान हो जाए? और यहीं से सामाजिक न्याय की लड़ाई होती है। आप देख लीजिए जितने भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात, वो कांग्रेस पे दोषारोपण कर रहे थे, वो भूल जाते हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जिसने सदन में खड़े होकर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कहा था कि कास्ट सेंसस या जाति जनगणना जो है विभाजनकारी है और ये मैं कतई नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन जब मोदी सरकार आई तो इन्होंने इस पे बार बार वक्तव्य किया कि हम करेंगे, और यूपीए सरकार द्वारा 4,800 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अरुण जेटली जी ने ये माना कि हमारे पास इसकी रिपोर्ट है लेकिन हम घोषणा नहीं करेंगे। ठीक 2019 के पहले राजनाथ सिंह ने कहा हम इसकी सारी जो रिपोर्ट है वो घोषित करेंगे और जाति जनगणना का हम पूरी तरीके से देखेंगे। हुआ क्या? ढाल के 3 पात, आरएसएस ने उसको अनुमानित नहीं किया और वो भी नहीं घोषित हुई। आज जब भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता है कि जाति जनगणना करोगे तो वो हिंदू के अम्ब्रेले में लोगों को लाने को तैयार है लेकिन जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। एक सवाल आपने बड़ा अच्छा पूछा, कहां तक जाएंगे जात वाला, अग्निवीर की, सुनिए ना वर्मा जी, बात हो अग्निवीर स्कीम की, पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम की, बजट की, सब चीज आपकी जाकर खत्म होती है जाति जनगणना पर, तो इसकी भी तो जरा वजह समझाइए जनता को, बताइए ना कि हम छतरी खोल रहे हैं जात वाली, इसके नीचे आओ। अंजना जी, आरक्षण कभी भी गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं रहा है, यह आरक्षण प्रतिनिधित्व का अधिकार रहा है या सामाजिक और शैक्षिक समानता का अधिकार है। आपने सवाल पूछा कहां तक जाओगे, आप याद कीजिए 1953 की काका कालेकर की आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है,
वो कहती है कि महिला महिला भी एक जो है वो पिछड़ी जाति में गिनी जाएगी, उनका भी पिछड़ापन गिना जाएगा, और ओबीसी जाति के लोग टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में 70% तक आरक्षण के हिस्सेदारी का हक रखते हैं। तो हक तो मिलना चाहिए ना सबको, औरतों पर तो साफ सूंघ जाता, बिल्कुल कहीं नहीं सूंघ जाता है। महिला आरक्षण बिल पास करने में कितने दशक इस देश को लगे, नहीं समझ में आया आजादी से अब तक कि महिलाओं को भी अलग जगह देने की जरूरत है। तो अंजना जी इसका जवाब भी लीजिए, और ये कई बार की ये भाई कई बार आगे जो आपने एक नोटिफिकेशन जो अभी जारी किया है मोदी सरकार ने, उससे क्या हुआ है जानते हैं आप? अक्टूबर 24 के बाद उन्होंने नोटिफाई किया है, इसका अर्थ यह कि महिला आरक्षण और आगे बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री जी महिला आरक्षण भी नहीं चाहते, इसका अर्थ और अंजना जी इस महिला आरक्षण पे, इस महिला आरक्षण पे मैं अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। वो तो हमारे अनुज हैं। अंजना जी महिला आरक्षण पे बार बार ये सवाल समाजवादी पार्टी के ऊपर उठाया जाता है और इसको हम बार बार स्पष्ट करते हैं, महिला आरक्षण के साथ समाजवादी पार्टी अंत तक खड़ी है, लेकिन महिला आरक्षण के अंदर जिस प्रकार से गरीब दलित पिछड़ू महिलाओं का आरक्षण भी होना चाहिए, क्योंकि ये उसी तरीके से आरक्षण दिया जाएगा जिसमें एक खास तबके के लोग उस महिला आरक्षण का उपभोग करेंगे और अनुपातित तरीके से जनसंख्या में ये नहीं जाएगा। खास तबका जब जानते हैं, बोलिए, बताता हूँ महिला के नाम पे जो सीटें, शांत रहिए जरा, ठीक है। जिस प्रकार से एक धनाढ्य लोग, जब पावरफुल लोग महिला आरक्षण पे काम पे अपनी पतियों को या अपनी बेटियों को उस सीट पे आरक्षण लगा के सीट दिलवाते हैं, ये होता है। गरीब महिला जो होती है, आदिवासी महिला जो होती है, दलित महिला होती है, उसका रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होता तो और समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण को वहां तक लेके जाके लागू होती है। आशुतोष जी ये बात तो आरक्षण में भी लागू होती है कि एक क्रिमी ले रहे जो लगातार फायदा लेता जाता है और जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर तो आप लोगों की नजर नहीं जाती है। तो अंजना जी सिर्फ ओबीसी में ही क्रीमी लेयर है, मैं कहता हूं ईडब्ल्यूएस में भी क्रीमी लेयर लगाइए, आइए उसकी भी बात करते हैं हम लोग, आइए हम लोग सब लोग की बात करते हैं, तो वहां तो सब लोगों को साफ सुन जाता है। मलुक साहब, तो क्या क्या पिछड़ों में ही खाली क्रीमी लेयर होगा, महिला आरक्षण में नहीं होगा, वहां भी होगा। वीकर सेक्शन है और इसीलिए वो इकोनॉमिकली वीकर है, उसमें समझ नहीं आ रहा कि ये क्रीमी लेयर क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ। आशुतोष जी थोड़ा सा आप फंस गए इसमें, मतलब इकोनॉमिकली जो वीकर है तो उसमें ऑलरेडी एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया होता है, तो उसमें क्या क्रीमी लेयर, सालाना आमदनी का क्राइटेरिया है। अंजना जी इस बात को समझिए, सरकार को यही नहीं पता, मलुक साहब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो उससे टैक्स भी तो ये ले रहे हैं बैठ के, ये अपने आप की डिफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, मलुक साहब, मलुक साहब जी शुरू कर दीजिए। आशुतोष जी आ रही हूँ, जल्दी जल्दी आ रही हूँ, छोटे छोटे जवाब मलुक जी। देखिए अंजना जी, एक तो बहुत ही अच्छी बात हुई है कि पिछले 17वीं लोकसभा में जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा, मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, मैंने इतने दलित मिनिस्टर बनाए, तो कम से कम आज जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टी सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की नकल करी और वो पिछड़ों पे और दलितों पे आए। लेकिन एक चीज वो कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था, मैं प्रधानमंत्री, मेरे पिताजी थे, मेरी दादाजी थे, मेरे पड़नाना थे, मैं ऑफिस जाता था तो दलितों के साथ और पिछड़ों के साथ बहुत अत्याचार हुए, उनको बहुत कुछ मिलना चाहिए था। तो ये क्या एडमिट फैक्ट है कांग्रेस की तरफ से कि 60 साल के करीब उन्होंने पिछड़ों का और दलितों का शोषण किया? दूसरा, 60 साल एक तरफ है और अभी 10 साल एक तरफ है, और जिस तरीके से अब आज की तारीख में आ रहे हैं, इससे एक चीज क्लियर हो गया कि कांग्रेस की समझ में ये आ गया कि उन्होंने गलती करी, उन्होंने शोषण करा, उन्होंने इनकी वोट ली पिछड़ों की, दलितों की, और दिया कुछ नहीं, अब देना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूं, हजारों सालों में कांग्रेस की सरकारें हैं पिछड़ों के खिलाफ, सब जहां पे कांग्रेस की सरकारें हैं, बोलने दो जरा प्लीज, प्रोफेसर साहब आप प्रोफेसर कहते हैं लेक्चर, आप बोलने दो जरा,
पिछले जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं पिछड़ों को और दलितों को क्या सर्वे करा के आपने इनको लाभ देना शुरू कर दिया और वहां अपने अपने प्रदेशों में लाभ देना शुरू नहीं करा और भारत सरकार में या संसद में कर रहे हैं। तो आपका दो तरह का चेहरा सामने आ रहा है। हिपोक्रेसी की सीमा है अपने स्टेट में कराने और देश में कराने जा रहे हैं। मलुक जी, ऐसा जो आज के तारीख आपको कास्ट सेंसस पर बीजेपी का रुख समझ में आया है आज तक? अरे आप ही से पूछ रही हूँ, बीजेपी का रुख समझ में आया है? बिहार में कहते हैं उनकी पार्टी की होना चाहिए, बाकी जगह में कोल्ड फीट हो जाते हैं, आपको समझ में आया कास्ट सेंसस पर बीजेपी का क्या रुख है? अंजना जी मैं बता रहा हूँ, प्लीज मुझे एक चीज और बोलने दो, हलवा पे बोलने दो, हलवा पे। वो कह रहे इस हलवा पे पिछड़े और दलित नहीं दिखे। अरे जो भी अधिकारी हैं सीनियर लेवल पे बजट पे काम करते हैं, जो 35 साल पहले 30 साल पहले 25 साल पहले सर्विस में आए, किसकी सरकार थी उन दिनों? कांग्रेस की। किसने भर्ती करा उन अधिकारियों को? कांग्रेस ने। अगर वहां नहीं दिख रहे पिछड़े और दलित तो जिम्मेदारी कांग्रेस की। जहां तक अंजना जी हमारी बात है और बीजेपी की पॉलिसी की बात है, दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष और एक विपक्ष। जब विपक्ष में रहते हैं तो हमारे नेता जयंत चौधरी सामने खूब दिखते हैं और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर आज डिबेट चल रही है देश में, पिछड़ों पर किसान पे। तो जो बात है विपक्ष में वहां सबने देखा। और जहां तक पक्ष की बात है, घर में बैठ के अंदर बैठ के हमारे नेता चौधरी जैन जी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे किसानों के लिए पिछड़ों के लिए दलितों के लिए उनके हक के लिए बढ़िया तरीके से घर में बैठ के माननीय प्रधानमंत्री जी और कैबिनेट के साथ बड़ी प्रार्थना के साथ उनके हकों की उनके हकूकों की रक्षा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, छोटा सा उसके बाद मलुक नागर जी जवाब लो। आज अनुराग ठाकुर जी को सुना आपने? वो कह रहे थे जातिगत जनगणना का भूत निकाल लाते। अरे जातिगत जनगणना को भूत बता रहे हैं आप? जिस दिन बिहार प्रांत की जातिगत जनगणना आई थी, प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनिएगा, उन्होंने कहा यह महापाप करना बंद करो देश को जात में बांटने का। जिस दिन जनगणना के परिणाम आए थे बिहार में, क्योंकि उनके साथ नहीं थे वो, और बिहार के जातिगत सर्वे के खिलाफ एफिडेविट फाइल किया, महाराष्ट्र के जो के मुकदमा था उसके बिहार वाला सर्वे है सर, क्यों आप बार बार सर्वे ही कहा मैंने अभी सर्वे हाँ, कहा है आप हाँ, सर्वे कहा हाँ, सर्वे ही कहा मैंने कंफ्यूज हो कभी गणना कभी सर्वे। अंजना जी ने एक प्रश्न किया, एक बात बताइए ना, ये सब बात घूम के जाति जनगणना पर क्यों आ रही है? नहीं, देखिए राहुल जी ने समाधान दिया है, पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम, नौकरियां देना है, इंटर्नशिप देनी है, अग्निवीर योजना, जात कहाँ है? देखिए आपने कहा हमारे पास क्या समाधान, तो राहुल गांधी जी ने दिया समाधान। हिंदुस्तान कहाँ से आया? तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि राहुल जी ने कहा कि राहुल गांधी को जिसका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 45% है, जिसका एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन 40% है। हाल ही की जून 2024 की रिपोर्ट ने बताया कि 60 लाख एस्टेब्लिशमेंट बंद हो गए। क्यों? क्योंकि चीन से बे इंतहा इंपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया, $110 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट चीन से किया। और मैं नहीं कह रहा हूं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स के गौरव जी पूरा करने दीजिए, उन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने कहा कि हिंदुस्तान का एमएसएमई अगर तबाह हुआ है तो उसमें जो चीन का आयात है, और उस रिपोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि ये रिलेक्टेंट है सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी चीन पर लगाने के लिए और अवैध रूप से चीन से सामान आ रहा है, ये भी उस रिपोर्ट में। गौरव भाटिया जी जवाब। देखिए एक एक करके जवाब दे देता हूं। सबसे पहले तो देखिए किसानों की बात कर रहे थे, एक और आंकड़ा देता हूं। जब चुनाव पास आए तो इन्होंने यूपीए वन में 2008-09 की बात है, इन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, करीब 50,000 करोड़ था, उसमें भी घोटाला कर दिया था। आज जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया संसद के पटल पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अकेला 3,50,000 करोड़ रुपए के आसपास हमने किसानों को दिया है। कहा 50,000 करोड़, कहा 3.5 लाख करोड़। मैं चुनौती देता हूं, बता दे कि इन्होंने किसानों को दिया 3.5 लाख करोड़, डिबेट खत्म हो जाएगी। 2,86,000 करोड़ रुपए सालाना छीनते हो। राहुल गांधी के शब्द हैं, उन्होंने कहा वोटों से डरते हैं,
शांत करा ली आपके शांत करा स्टूडियो में फायदा मत बदतमीजी नहीं करें दस्तावेज आपके बदतमीजी ना करें पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट ये फायदा उठा रहे हैं ये पिंजरे के तोते हैं स्टूडियो में पिंजरे के अंदर बैठे रह जाएंगे वो एग्रीकल्चर मत करिए अंजना जी शांत कराइए वो कह रही है कि जीएसटी रेट ये गलत बात है अंजना जी सारे दर्शक पूरे देश के देख रहे हैं सात साल से इनको सम्मान दिया शायद इस लायक नहीं थे जीएसटी पर लेकिन साथ ही साथ दुबे ठीक है गौरव जी ठीक दूसरी बात राहुल गांधी के शब्द हैं कह रहे फोटो से डरते हैं देखिए मैं फोटो कुछ दिखाता हूं तीन फोटो तीन राहुल गांधी के विकेट गिरेंगे पहली फोटो कैमरामैन जरा जूम करिए ये चीन के साथ समझौता करा आज तक देश को नहीं बताया सार्वजनिक नहीं किया कि भाई ऐसे शत्रु देश के साथ पार्टी टू पार्टी समझौते में लिखा क्या है राहुल गांधी से कहिए पहले यह बताए दूसरी तस्वीर बताता हूं यह देखिए रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं ना ए ए ए बुलाऊं ए वन बुलाऊं ए टू बुलाऊं यह देखिए रॉबर्ट वाड्रा किसके साथ है अरे राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी 65,000 का उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया एनर्जी का क्या तेलंगाना ने एमओयू साइन नहीं किया ये रॉबर्ट वाड्रा क्या कर रहे हैं ए के साथ शांत दूसरा विकेट गिरा अब तीसरा विकेट गिराता हूं ये है तीसरी तस्वीर ये देखिए ये तीसरी तस्वीर है कौन है ये यासीन मलिक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री आवास पे बुला के पूछते थे कश्मीर में क्या करना है और आज की डेट में जेल की सलाखों के पीछे है ये व्यक्ति ये तीन तस्वीरें तीन विकेट गिराए हिम्मत है राहुल गांधी बहस कांत करना पड़ेगा मुझे ऑनर काट दिया है वक्त इतने की इजाजत देता है आप सभी का बहुत धन्यवाद देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक